कोरोना वायरस पर केंद्र सरकार अंतिम प्रहार को मंजूरी दे सकती है। इसमें सभी वयस्कों 18 साल से ऊपर के लोगों को कोविड बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक आज बुधवार को दोपहर 3 बजे NDAGI की मीटिंग होगी। इसमें बूस्टर डोज पर चर्चा होगी। भारत में कोविड केस भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन एशियाई देश जैसे साउथ कोरिया, चीन और इसराइल के साथ साथ यूरोप के कई देशों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज जरूरी की जा सकती है। बूस्टर डोज किसे लगाई जा रही? अभी भारत में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर के साथ साथ 60 साल के ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। भारत में इसे एहतियाती खुराक कहा गया है। भारत में 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगानी शुरू की गई थी। अब तक 2 करोड़ बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। भारत में फिलहाल जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है उनकी कुल 2 खुराक लगवानी होती है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड आदि वैक्सीन के दोनों खुराकों के बीच का गैप अलग अलग है। बूस्टर डोज की बात करें तो एक तरह से तीसरी खुराक है जो कोरोना को मात देने में काम आएगी। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।